छोड़ी द दरुआ, छोड़ी द गंजावा, छोड़ी सिकरेटवा ना। कि धावा नदी के ऊपर डीएम साहब इस बिटिया के लिए पुल बना दीजिए ताकि इस बिटिया का भविष्य उज्जवल हो। ये पापा मानी ला मोरे कहनवा, राव जोड़ी ला हथवा ना। कि हमारे गांव में पुल नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क बनवा दीजिए, पुल बनवा दीजिए। पुल बनना चाहिए नहीं? हाँ। बनना चाहिए नहीं? हाँ। बनना चाहिए नहीं? हाँ। बनना चाहिए नहीं? हाँ। अभी हमारे साथ बिहार के औरंगाबाद की वही दोनों बिटिया है जिनका गाना इस वक्त सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। हालांकि अभी हम लोग एक नदी के अंदर खड़े हैं, नदी के अंदर खड़े हैं, ये धावा नदी है और इस नदी का इतिहास बहुत गंदा है। इस नदी ने 150 लोगों की जान ले ली है मित्रों। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों वायरल बिटिया को लेकर मैं नदी के अंदर क्यों खड़ा हूं? तो इसलिए खड़ा हूं ताकि सरकार तक जो है इन दोनों बिटिया की और मेरी और गांव वालों की आवाज पहुंच सके। साल 2002 में जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे और अटल जी प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार जी जब केंद्रीय रेल मंत्री थे, तब इसी नदी के पुल पर जो है धावा नदी में एक एक्सीडेंट हो जाता है रेल का, 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ट्रेन हादसे में सर 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसी नदी में मैं खड़ा हूं। अब यहां पर एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ इन दो बेटियों का गांव है। इस तरफ गांव है और इस तरफ मुख्य सड़क है। जब बरसात हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो ये लोग अपने गांव जो है नाव से तैर कर जाते हैं। कैसे? नाव से। और इसके बाद जब अभी ठंडी का मौसम है तो ये लोग इसी नदी के बीच से रास्ता बना कर जाते हैं। बिटिया इतनी वायरल हो गई है कि आज ये डीएम साहब से मिलकर आई है, इसके बाद जो है शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। तो मैं भी आग्रह करना चाहता हूं कि धावा नदी के ऊपर डीएम साहब इस बिटिया के लिए पुल बना दीजिए ताकि इस बिटिया का भविष्य उज्जवल हो और ये और अच्छा कर पाए, ताकि ये बिटिया और अच्छा नाम कमा पाए। सृष्टि और सोनाली, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इनके पिता हैं जी। डीएम साहब से बताए कि हमारे गांव में पुल जाने के लिए पुल नहीं है। हाँ, बोले आज। क्या बोले डीएम साहब? बोले कि सर हम लोग का आने जाने का बहुत दिक्कत होता है, हमारे गांव बिल्कुल नदी का किनारा पे है, वहाँ पे पुल का एगो व्यवस्था की, तो ठीक है आगे चल के देखेंगे। हाँ। देखेंगे नहीं बनवाएंगे, ये आपका दायित्व है। जब आपके तक ये दोनों बिटियां अर्जी लगा सकती हैं तो इनका पुल भी जरूरी है। छोटा सा पुल बनेगा और गांव के लोग अच्छा जीवन बिताएंगे। पहले तो सबसे पहले दोनों लोग बढ़िया सा गाना सुनाइए जो गाना आपका वायरल हुआ। छोड़ी द दरुआ, छोड़ी द गंजावा, छोड़ी सिकरेटवा ना। छोड़ी द दरुआ, छोड़ी द गंजावा, छोड़ी सिकरेटवा ना। कि ये पापा मानी ला मोरे कहनवा, राव जोड़ी ला हथवा ना। कि ये पापा मानी ला मोरे कहनवा, राव जोड़ी ला हथवा ना। जवन पैसा पिए मैं करे नी पापा जियान हो, वो करे से पढ़ जाइब होई राउर नाम हो। जवन पैसा पिए मैं करे नी पापा जियान हो, वो करे से पढ़ जाइब होई राउर नाम हो। जदि जे कुछ हो जाई तो मोर के जे कुछ हो जाई तो मोर के दी सतवाना। बहुत बढ़िया। कि ये पापा मानी ला मोर कहनवा, राव जोड़ी ला हथवाना। कि ये पापा मानी ला मोर कहनवा, राव जोड़ी ला हथवाना। सलोनी के बाद जो है ये दोनों बिटिया वायरल हुई है। सलोनी के बाद यानी जो है अभी एक बिटिया वायरल हुई थी सलोनी, जिसको बहुत सारा नाम मिला, लेकिन सलोनी के बाद जो है ये दोनों बिटिया सृष्टि और सोनाली वायरल हुई है। सोनाली अभी कहां से आ रही हैं? डीएम के पास। आप कहां से आ रही हैं? डीएम के पास। क्या करने गई थी डीएम साहब के पास? बुलाए थे मिलने के लिए, सम्मान देने के लिए। हाँ। और सम्मान में एगो सॉल इनको दिए हैं, एगो सॉल इनको दिए हैं और एगो ट्रॉफी दिए हुए हैं और कुछ डायरी वायरी दिए हैं, है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए जो है वहाँ पर क्या बताई कि पुल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ बनना चाहिए। क्या बताई वहाँ पर? कि पुल बनवा दीजिए, सड़क बनवा दीजिए। हाँ। आप बताई वहाँ पर। हाँ। क्या बोली थी, कैसे बोली थी बताइए?
कि हमारे गांव में पुल नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क बनवा दीजिए, पुल बनवा दीजिए। हम लोग मतलब जो बारिश के टाइम नदी में बाढ़ आ जाता है तो हम लोग के गांव वाले या हम लोग सब मतलब तैर कर पार होते हैं। नीतीश कुमार जी, जब आप रेल मंत्री थे सर, तो इसी नदी पर राजधानी एक्सप्रेस का जो है हादसा हो गया था और 150 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज भी आप मुख्यमंत्री हैं, रेल मंत्री के बाद आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो कम से कम इन गांव वालों का दर्द समझिए और इस नदी पर एक पुल बनवाने का प्रयास कीजिए। दिक्कत होता है आने जाने में? जी सर। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। पुल काहे नहीं बन रहा है? यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री सबको ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए? नहीं देना चाहिए तो काहे नहीं देते हैं? देते नहीं, लापरवाही करते हैं और क्या करते हैं। इधर पुल बनाने के लिए वादा किए थे कि नहीं किए थे? वादा किए थे ना, लेकिन बनवाए नहीं ना? नहीं बनवाए। बनवाए नहीं ना? नहीं। क्यों नहीं बनवाए पता है? नहीं, इस बात का तो पता ना है, लेकिन जानते हैं क्यों नहीं बनवाए हैं? काहे? काहे कि जो चुनाव के समय में वादा करता है वो कभी वादा निभाता नहीं है। किया हुआ वादा निभाएंगे निभाएंगे नहीं रे साथिया, वादा किया है तो नहीं निभा पाएंगे। सही लगता है कि बनेगा आपको, आपके जीते जी? अब देखिए, कोई ऐसा आ जाए तो बन ही सकता है। चलिए, भविष्य का कोई पता ना। इस गांव का नाम इन दोनों बिटिया की वजह से रोशन हुआ है, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस बिटिया की आवाज सुना जाए और यहां पर एगो पुल बनवाने का काम किया जाए। सोचिए कि आजादी के इतने साल बाद भी इस गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के लिए एक पुल नहीं है, तो गांव का साथ साथ पूरे बिहार का दुर्भाग्य है और इस देश के नेता नगरी का भी दुर्भाग्य। माता जी है, पुल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। क्यों नहीं बन रहा है? अब क्यों नहीं बन रहा है? हम बाढ़ में कैसे आती हैं? पानी में तैर पर तैर के आती हैं? कैसे आती हैं ये बताइए। पुल बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। काहे नहीं बन रहा है? काहे नहीं बन रहा है? अब सरकार न समझे काहे न बन रहा है। अच्छा, जब बाढ़ आ जाता है, पानी भर जाता है, तब कैसे जाती है? पैर के जाते हैं, डूब धांस के जाते हैं, और कैसे जाते हैं? डूब आज तक इसमें कोई डूबा है क्या? डूब गया है ना, सब छानता है, उधर जाता है तो सब छान लेता है। यहाँ पर ये ऐसा गाँव है जहाँ पर बिल्कुल बाढ़ आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बाढ़ आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नदी है, नदी के ऊपर पुल नहीं है। नहीं है पुल। सही है बात ना? सही है। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ ना? ना। पुल बनना चाहिए ना? हाँ। पुल बनना चाहिए नहीं रे बाबू? हाँ। पुल बनना चाहिए नहीं? हाँ। पुल बनना चाहिए नहीं? हाँ। पुल बनना चाहिए नहीं? हाँ। नीतीश कुमार जी और सांसद महोदय और डीएम महोदय और विधायक जी, इन सब बच्चों का और ग्रामीणों का भविष्य अंधकार में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चा लोग जो है पुल से इधर से उधर नहीं जा सकता है, क्योंकि पुल ही नहीं है तो नदी के इस पार उस पार कैसे जाएगा, इसलिए इनका भविष्य अंधकार में है। ये 8वीं 10वीं तक अपने स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन जब 10वीं के बाद ही 12वीं में जाएंगे तो इनको पहले बाढ़ में नदी में तैरना पड़ेगा, नदी हेलना पड़ेगा, तब उस पार जाएंगे, तब इनका भविष्य कहां से उज्जवल है। तो उज्जवल बनाने का जिम्मा हम लोगों का है और यहां के डीएम सांसद विधायक का जिम्मा है कि यहां पर एगो पुल बनवाएं। बनवाएं या नहीं बनवाएं? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए नहीं? 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 बनना चाहिए। बनना चाहिए। सोचिए, ये वही पुल है जहां पर साल 2002 में 150 लोगों की मृत्यु हो जाती है एक रेल हादसे में। ये मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल, हम लोग देखे तो उसे छोटा थे उस टाइम। छोटा थे? हाँ। एक जो है आप लोगों की लगता है बात डीएम साहब सुनेंगे? हाँ। डीएम साहब सुनेंगे आपकी बात? सुनेंगे लगता है आप? हाँ सुनेंगे। इसको भी भरोसा नहीं है, इसको भी विश्वास नहीं है कि हमारी बात सुने या ना सुने, इसको भी लगता है कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। खैर ठीक है, सम्मान दिया इसके गायकी को, लेकिन इस गांव को भी सम्मान देने की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि यहाँ पर सच में पुल बन जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। बाकी सांसद महोदय, अगर इस पर पुल पारित करवाने की बात आप नहीं करेंगे तो गाँव के लोग और इस औरंगाबाद के लोग आपको बाइकआउट करने का काम करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।